यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं आपकी मदद के लिए आई हूँ। यहाँ मेरी मदद के लिए आई हो? मेरी मदद के लिए? ऐसा भी तो हो सकता ना कि तुम यहाँ चोरी के लिए आई हो। नहीं नहीं आप गलत समझ रही हैं, मैं वाकई आपकी मदद की नीयत से यहाँ आई हूँ। मैं कैसे मान लूँ? ऐसा हो सकता है ना कि तुम यहाँ चोरी के इरादे से आई हो और जब तुम पकड़ी गई हो तो अब तुम ये कह रही हो। प्लीज मेरी बात का यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों क्यों करूँ तुम्हारी बात का यकीन? हूँ चलो, अगर तुम मेरी मदद के लिए आई भी हो तो ऐसे आते जैसे तुम आई हो। बात अच्छी तरह जानती हैं कि मैं ऐसे चोरों की तरह यहाँ क्यों आई हूँ। नहीं मैं नहीं जानती, लगता है गलती हो गई है मुझसे यहाँ आके। मानती हो कि गलती हो गई? क्या करेंगी, पुलिस को फोन करेंगे आप? कौन जाने मासूम चेहरों के पीछे कौन हैवान छुपा है, तुम जानती हो? अक्सर मासूम चेहरों के पीछे हैवान छुपे होते हैं। मैं जानती हूँ ये आप बात क्यों कह रही हैं। प्लीज आप मेरे साथ चलें, आपके शौहर आने वाले होंगे। ठीक है पर पहले तो मैं मेरी बात सुनाऊंगी। सब बातें सुनूंगी लेकिन यहाँ पे नहीं। क्या आपके शौहर आ जाएंगे, जल्दी से चले मेरे साथ, आप क्यों वक्त जाया कर रही हैं? आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें प्लीज। तुम नहीं समझ रही, तुम समझोगी भी कैसे एक माँ के दुख को? माँ यहाँ कोई बच्ची भी है, आप उसे भी ले, हम उसे भी साथ ले जाते हैं। वो तो यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? हम उसे ढूंढ लेंगे। हम नहीं ढूंढ सकते, वो नहीं मिलेगी। मैंने उसे मार दिया ना। नहीं हुआ ना यकीन, नहीं हुआ ना। फिर उन सबको यकीन कैसे हो गया? उन सबको ये क्यों लगा कि मैं एक माँ होके अपने अपने बच्चे को मार सकती हूँ, उसका कत्ल कर सकती हूँ? तुम मुझे बताओ, तुम डर रही हो? मैं अपने बच्चे को कैसे मार सकती हूँ? मैं कोई पागल हूँ? पागल हूँ कि अपने बच्चे को मार दूँ? हाँ बताओ। नहीं नहीं क्या? मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से चलना चाहिए। नहीं तुम नहीं जा सकती, तुम यहीं रुको, तुम्हें सब सुनना होगा। हाँ ज्यादती करिए, मैं आपकी मदद के लिए आई हूँ। और आप ज्यादती मैं कर रही हूँ? मेरे साथ 1.5 साल से हो रही है और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही हूँ? किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। रहान को भी मेरी बात पे यकीन नहीं है, उसे उसे लगता है कि मैंने अपने बच्चे का कत्ल कर दिया। मैं अपने बच्चे का कत्ल क्यों करूंगी? मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकती ना, मैं क्यों मारूंगी? तुम्हें मेरी बात सुनना होगी, तुम यही रुको। ये क्या करें आप?
भाजी जैसा आपने बोला था बिल्कुल वैसी सेटिंग करवा दी है। किसी भी काम की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। ये आपकी चाबी है। बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अरे अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अच्छा हाँ सारा नेक्स्ट वीक आ जाएगी मेरे पास, आप बाबा से बात कराएं। हेलो बाबा। यार मामा को समझाए वरना मेरा दिल नहीं लगेगा यहाँ कराची। हाँ हाँ कमिटमेंट यही हुई थी लेकिन पता नहीं फिर क्या हो गया इन्हें। अच्छा हम एक काम करते हैं, आप शाकिर भाई से बोलें कि मामा को मेरे पास कराची, बल्कि आप भी उनके साथ आएं ताकि आप दोनों को तसल्ली हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ 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 कराची हैदराबाद से दूरी कितना है। ठीक है बाबा, खुदा हाफिज़। हाथ छोड़ देना, बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज। शायद आपने सुना नहीं, कुछ कह रही है वो आपसे। अपने काम से काम रख। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा अपने काम से काम रखिए आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कुछ मत कहिए। प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? जहां जाना है वहां जाओ, हमारे पीछे क्यों आ रही हो? गलत फहमी हो रही है मिस्टर आपको, मुझे जहां जाना था वहीं खड़ी हूं इस वक्त। प्लीज आप फिजूल में क्यों उलझ रहे हैं? चुप करो तुम। चलो इधर मुझसे बात करो, मुझसे। शर्म नहीं आती आपको इस तरह से मारपीट करते हुए? अपनी हद में रहो तुम। मैं तो अपनी हद में हूँ, और क्यों मारते आप उन्हें? मैंने कहा अपनी हद में रहो और जाओ यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं आप? लगती कौन है आपकी? ये शौहर है मेरे, मैं ठीक हूँ। देखिए आप ठीक नहीं है, आप मुझसे बात करें। रिश्ता जान चुकी हो तो ये भी जानती होगी कि मियां बीवी के बीच में बोलने का हक और कोई नहीं रखता, और कोई नहीं से मतलब कोई नहीं। प्लीज जाए यहां से, हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। सुन लिया? जाओ। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आप, ये क्यों कह रही हैं ऐसे? तो
इस तो का मतलब अब मैं तुम्हें समझाऊंगी। चल। कहीं पुलिस कंप्लेन करने से मैं इसके लिए मजीद मुश्किल तो नहीं खड़ी कर रही? इससे ज्यादा और क्या मुश्किल में जाएगी? हेलो पुलिस स्टेशन, यही है? अधिका आपका ही नाम? जी सर, मैंने ही कंप्लेन की है। कौन सा फ्लैट? ये सामने वाला। जाहिर, बुरहान, तुम क्या ले? मैं ठीक ठाक। कहाँ गायब थे तुम इतने अरसे से? वो सब बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ रहता हूँ? ये बात किसी को नहीं पता। यहाँ तुम रहते हो? अच्छा चलो, जरा कोई जरूरी बात करनी। क्यों खैरियत? चलो तो बता दो। अच्छा आप लोग इसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? हमें हमारा काम मत सिखाएं, आराम से खड़ी रहें यहाँ पे खड़ी। आप अपना काम ही तो नहीं कर रहे। आपको नजर क्यों नहीं आ रहा है रिश्वत ले रहे वो? ये मसला क्या है आपका? वो अपनी बीवी को जानवरों की तरह मारता पीटता है, इंजेक्शंस लगाता है, ना जाने वो भी किस चीज के। बजाय उसको गिरफ्तार करने के मेरा मसला पूछ रहे कि मेरा मसला क्या है। मैम आपको कुछ गलत फहमी हो गई थी, जैसा आपको लग रहा था वैसा कुछ नहीं। क्या मुझे गलत फहमी हुई है? मुझे चिल्ला क्यों रही हैं आप? आराम से बात करें। देखें सर, अगर आप आपको लगता है कि मुझे गलत फहमी हुई है तो आप एक दफा तसल्ली से जाके अपनी आंखों से देख क्यों नहीं लेते? मैडम हमने जो देखना था वो देख लिया, वैसा कुछ भी नहीं। आओ। आप ऐसे नहीं जा सकते। कौन रोकेगा? आप रिश्वत खाई है ना तुमने इस इंसान से, तुम्हारी भी कंप्लेन करूंगी मैं ऊपर से। अब ये शौक भी पूरा कर लें। आओ। मैंने समझाया था ना तुम्हें, आज के बाद मेरे घर के दरवाजे के सामने नजर भी आई ना तो नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम जज्बात में आके पहले ही बेवकूफी कर चुकी हो, मजीद किसी किस्म की बेवकूफी की जरूरत नहीं है। तुम मेरी हिम्मत बढ़ाने के बजाय उल्टा मुझे डरा रही हो यार। तुम उसकी पहुंच और पावर अपनी आंखों से देख चुकी हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ हाँ समझ आ गई मुझे, थैंक यू, बाय। सुनो मेरी बात सुनो,
कहाँ जा रही हो? खड़ी रहो देरी, और अब हिलना नहीं। चलो ये ले बाजी, आपकी चाबी तैयार है। शुक्रिया भाई।
क्या हुआ? घर में कोई है। देख लिया मैंने, कोई नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दरवाजा आप ही से खुला रह गया हो। हो सकता है। मुझे यहाँ से जाने दे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मैं तो आपकी मदद के लिए आई थी। प्लीज खुदा के लिए, मैंने क्या बिगाड़ा? कितना बोलती हो तुम? मेरी बेटी का कातिल कहते हैं मुझे। कत्ल करूं तुम्हारा? मार दूं तुम्हें? नहीं नहीं,
अपने बेटे को नहीं मारा, अपनी बेटी की जान कैसे ले सकती, अपनी बेटी को कैसे मार सकती, मैंने नहीं मारा। हाँ, मैं सब समझ गई हूँ। आप भला अपनी बेटी की जान कैसे ले सकती है? मैं समझ ना, तुम समझ गई ना, तुम समझती हो मेरी बात, मुझे पता था तुम मेरी बात समझोगी। मैं बताऊं तुम्हें उस दिन क्या हुआ? हाँ, उस रोज सानिया को बहुत भूख लग रही थी, नूडल्स की जिद कर रही थी, मैंने पतीला उठाया और जाके पानी भरा, पानी डाला, चूल्हे पे रखा और गैस ऑन कर दी, माचिस उठाई तो माचिस जलाने लगी तो माचिस गीली थी, पर इतनी नहीं, ज्यादा गीली थी। इतनी गीली थी। माचिस जलाने लगी। ये क्या करी आप? माचिस जल जाएगी, गैस फैल चुकी है, मर जाएंगे। नहीं चलेगी, माचिस गीली है। खुदा के लिए समझने की कोशिश करें, आप क्या कर रही हैं? गीली माचिस भी जलती है, मर जाएंगे हम। देखो, नहीं जली। शुरू करते हैं जहां खत्म किया था। उस रोज ना गैस नहीं आ रही थी, जहां हम पहले रहते थे ना उस घर में गैस की लोड शेडिंग होती थी, इस घर की तरह नहीं। दरवाजे पे कोई आया था, हाँ किचन में थी तो बेल बजी, दरवाजे पे कोई आया था, कौन आया था? याद क्यों नहीं होता कि कौन आया था? याद क्यों नहीं आ रहा कि कौन आया था? कोई आया था, याद आएगा मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन कोई आया था। मैं दरवाजे पे गई तो बातों में लग गई, इंसान हूं ना, बातों में लगी रही। अचानक याद आया कि सानिया किच मेरी बेटी ने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था, पर गीली माचिस तो नहीं चलती, ये क्या करें आप? घर में गैस फैल चुकी है, हम दोनों मारे जाएंगे। छोड़ी पैनिक क्यों क्रिएट कर रही हूँ?
हाथ नहीं लगाना, अकेली माचिस नहीं जलती, दोबारा नहीं बताऊंगी। ये देखो नहीं जली, ये देखो माचिस जल जाएगी, छोड़े इसे क्या करिए, आग लग जाएगी, जलेगी। आखिरी बार बता रही हूँ, अकेली माचिस नहीं जलती, दोबारा नहीं बताऊंगी। नहीं करे, नहीं करे प्लीज, नहीं जल जाएंगे आप, नहीं जले, कोई भी नहीं जली, नहीं जलेगी, जब जलती तो उस दिन कैसे जली, कैसे जलेगी। देखो जी, देखो, ये देखिए, ये गीली नहीं है, ये जलेगी, ये आप नहीं कर सकते, हम मारे जाएंगे, नहीं करे, हम मारे जाएंगे, क्यों, ये जलेगी, ये जलेगी तो धमाका होगा, तुम तब समझोगी कि गीली माचिस नहीं जलती। मुझे सब समझ आ गया, मैं समझ आ गया, मुझे आपकी बेटी एक हादसे में जली थी, आपका कोई कसूर नहीं है। मैं बोलिए, समझो ना, ये देखो, हकीकत सामने आ गई है तो आई एम सॉरी उन सब बातों के लिए, बेवकूफी और नासमझी भी मैंने की। जाने दें ये सब बातें, आपकी चोट कैसी है, बेहतर है? ठीक है। क्या वो हादसा ही था? जी। ये बात आप अलीना को क्यों नहीं समझाते? आपको क्या लगता है मैंने अलीना को यकीन नहीं दिलाया होगा? तो फिर इस हालत तक कैसे पहुंची? तो कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें आप अपना कहते हैं, अपना समझते हैं, लेकिन वो अपने होते नहीं। रोज लानत मलामत करना, बुरा भला कहना, आए दिन कटहरे में खड़ा कर देना अपनी औलाद के खून के जुर्म में। मुझे भी ये बात बहुत देर में समझ आई, अगर पहले आ जाती तो अलीना इस हाल में नहीं होती जिस हाल में अब हूं। मैं उतना ही कसूरवार हूं जितने वो सब लोग हैं, और इस बात के लिए खुद को कभी माफ नहीं करूंगा मैं। खैर, अब पहले की नस्बत बहुत बेहतर है। तो पुलिस को आपने रिश्वत क्यों दी फिर? यार अगर भाभी की इतनी तबीयत खराब है तो उनको हॉस्पिटलाइज करवाओ ना। हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज कर दिया था, ये कह के कि अब बेहतर होगी। तो अगर बेहतर हैं तो ये लोग कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? बेहतर होने में और मुकम्मल ठीक होने में फर्क होता है। रोज हॉस्पिटल ले जाता हूँ, इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते, ठीक हो जाएगी। खान साहब, अगेन आई एम रियली रियली सॉरी। आपसे छुपाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप भी उन लोगों की तरह बिहेव ना करने लगे जिनकी वजह से अलीना की ये हालत हुई है, और कोई बात नहीं थी। मैंने वाकई आपको समझने में बहुत गलती कर दी। आपसे कोई गलती नहीं,
अब अलीना कैसी है? इंजेक्शंस के बाद ठीक हो जाती है। मिल सकती हूँ मैं उससे? मैं जरूर मिलवाता, लेकिन इंजेक्शंस में नींद होती है तो सो रही है। हम कल आएंगे, हम दोनों आपके घर। मुझे इंतजार रहेगा। रिश्तों के हैं धागे से बंधे कितने फसाने। कभी कभार वैसा होता नहीं है जैसा हमें नजर आता है। हकीकत इस सब के बरक्स भी हो सकती है। यहाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सब कर बैठी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। बिना तहकीक के मेरा ये रद्द अमल जरूर बुरा था। शुक्र है बुरहान साहब वक्त पर आ गए, वरना